हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वक्त हूँ हरियाणा में और ये जो जगह है ये है फरीदाबाद, और जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ ये है मंझावली। इसी गांव के नाम पर इस जगह पर एक ये पूरा ब्रिज बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल की अगर मैं बात करूं तो 630 मीटर लंबा ये पूरा ब्रिज होने वाला है और कॉस्ट इसका है 315 करोड़ का, जो लागत आई है इसको बनाने में। कंपनी जो इस पे काम कर रही है वो है सिंगला, उनके द्वारा ही ये ब्रिज यहां पर निर्माण किया गया है। वैसे इस ब्रिज की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ है उत्तर प्रदेश, इस तरफ है फरीदाबाद, दोनों को ये जोड़ने वाला है। इसमें गेम यहाँ पर चेंज हो जाता है कि इस वक्त पे ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद आने में या फिर नोएडा से फरीदाबाद आने में आपको तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। हाँ, क्योंकि आपको दिल्ली में एंटर करना पड़ता है, उसके बाद आप फरीदाबाद आएंगे, या फिर अगर आपको फरीदाबाद से वापस ग्रेटर नोएडा जाना है तो फिर से दिल्ली में एंटर करना पड़ेगा, और दिल्ली का स्लोडाउन तो आप भली भांति इससे वाकिफ हैं। तो इसी को कम करेगा ये, और इस सफर को जो कि आपको 2 घंटे लगते हैं इस ब्रिज के बन जाने के बाद, इसी को आप सिर्फ 20 मिनट में कवर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में, और यही इस परियोजना को इतना बड़ा बनाता है। फरीदाबाद के जो लोग हैं वो भी इसकी अहमियत जानते हैं, जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा में रहते हैं उनको भी ये पता है कि इस ब्रिज की अहमियत क्या होने वाली है। यहाँ पर वैसे अगर काम की बात करूँ तो ब्रिज का जो पूरा हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, और इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी हो चुका है। इस जगह पर काम जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है पैराफिट वॉल का, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टील के गटर्स रखे गए हैं यमुना नदी के ठीक ऊपर, उसके ऊपर फ्लोरिंग का तो काम हो चुका है। फ्लोरिंग को जो ज्वाइंट करना है, मतलब इसके जो हिस्से हैं इनको जो ज्वाइंट करना है दोस्तों, उसका काम इस वक्त पे टीम करते हुए आपको नजर आएगी। उसके अलावा अगर आप इस तरफ जाएंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरफ पर जो इसका जो अप्रोच रोड बनाया जाना है उसका काम तो अभी किया जाना है, उस तरफ आपको कंस्ट्रक्शन का काम नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक नया कंस्ट्रक्शन का काम आपको इस तरफ जरूर दिखेगा। और ये जो आप देख रहे हो ये बांध बनाया गया है ताकि ये जो यमुना नदी है इसका जल स्तर जब बढ़े तो यहाँ पर आसपास जो आप खेत देख रहे हो या रिहायशी जो इलाका देख रहे हो उस पर ये जो पानी है वो ना जाए बारिश के दिनों में, इसलिए इसके दोनों तरफ यहाँ पर बांध बनाया गया है। तरफ देखेंगे फरीदाबाद की तरफ तो इस तरफ आपको टीम नजर आएगी यहां पर इस बांध के निर्माण का कार्य करते हुए, और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये पत्थरों को भी डाला जा रहा है। अब अगर वैसे अगर आप देखेंगे इस तरफ फरीदाबाद की तरफ तो यहाँ पर जो रोड है उसके बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। वैसे यहाँ पर ऑलरेडी रोड तो है, 2 लेन का आपको मिलता है, 1 लेन ईस्ट साइड, लेकिन इसको अब 4 लेन का किया जा रहा है, और इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है वो है देव प्रयाग। इस रोड पे फिलहाल देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम भी आपको दिख जाता है, ड्रेनेज सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं, और वैसे अगर आपको बताऊं तो ये जो रोड है एग्जिस्टिंग रोड, इसके अलाइनमेंट को भी चेंज किया जा रहा है कि जब मंझावली गांव के पास ये पहुंचता है तो इसका ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट हो जाता है, क्योंकि गांव के अंदर से लेन ऐड करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, तो इसी वजह से PWD ने यहाँ पर ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट भी सेलेक्ट किया है ताकि गाँव के साइड से होकर इस रोड को निकाला जा सके। इस वक्त पर आपको ट्रैफिक का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो अपने 2 घंटे कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहेगा। हर कोई इसी ब्रिज को यूज करने वाला है और हर कोई इस जगह तक आने वाला है, क्योंकि 20 मिनट और 2 घंटे में बहुत फर्क होता है। जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इस वक्त पे जो नदी में आप देख रहे हो, ये जो मिट्टी देख रहे हो या जो ये पत्थरे देख रहे हो, इन सभी को हटा दिया जाएगा, और फिर हम और आप इस ब्रिज के ऊपर से होकर निकल जाएंगे, और ये नदी थी कुछ तरीके से आगे बढ़ेगी जिस तरीके से ये पहले बहा करती थी। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।
मैं आपसे अगली बार मिलता हूँ भाई, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।